हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारत लॉ एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इट इज़ एन एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स एसेंट ऑन 23rd December 1986। ओके, इट वॉज एनफोर्स्ड ऑन 2nd October 1987 एंड दिस एनफोर्समेंट वॉज पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया ऑन डेटेड 25th September 1987। ये वाला क्वेश्चन RJS में पिछली बार पूछ लिया था कि कब पब्लिश हुआ था। नाउ स्कीम ऑफ द एक्ट इज देयर आर 10 sections in indecent representation of women's prohibition act 1986. Let's start with our preamble. It is an act to prohibit indecent representation of women through advertisement or in publications, writings, paintings, figures or in any other manner and for matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by Parliament in 37th year of Republic of India as follows. Short title, section number 1, short title, extent and commencement. This act may be called Indecent Representation of Women's Act 1986 and it extends to whole of India. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. And that date was, humne abhi padha, 2nd October 1987. और इसको कब पब्लिश किया गया, कब पब्लिश किया गया था? 25th September 1987 में। देन डेफिनेशंस, देखो मोस्ट प्रोबेबली अब ये वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफिनेशंस, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाई मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। बी इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाई वे ऑफ सैम्पल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। फिर थर्ड, सेकेंड का सी ये याद रखना, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स द डेपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन, हर फॉर्म और बॉडी or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating woman or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals. Label, D, label means any written, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any package. Package means a box, carton, tin or other container. Prescribed means prescribed by rules made under this act. ये सेक्शन नंबर 2 हो गया। सेक्शन नंबर 2 में जनरली हमारा सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन नंबर 2 सी। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 3, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड और अरेंज टू टेक पार्ट इन पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। ये हमारा सेक्शन नंबर 3 ने क्या करा है, प्रोहिबिशन लगा दिया है ऑन द एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, देन सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, शैल लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। तो इन्होंने सीधा नेगेटिव सेंस में बोल दिया कि नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस एंड अदर थिंग्स। ठीक है, जिसमें वो क्या करेंगे, बुक्स, पैम्पलेट वगैरह सबको उन्होंने क्या करा है, प्रोहिबिट किया है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू। अब प्रोवाइजो क्या कहता है, इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, बेसिकली 3 एक्सेप्शन हैं इसमें। तो इसका फर्स्ट है ए, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बींग फॉर पब्लिक गुड
ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक पैम्पलेट पेपर स्लाइड फिल्म राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग फोटोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस लिटरेचर आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न और विच इज़ कैप्ट और बोनाफाइड और विच इज़ कैप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेज. तो हमारा पहला तो ये हो गया जिसमें हमारा पब्लिकेशन या तो जस्टिफाइड हो इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस लिटरेचर आर्ट और लर्निंग या फिर कोई रिलीजियस पर्पजेज से उसको रखा गया है उन बुक्स को पैम्पलेट पेपर वगैरह को, ठीक है, तो उन पे प्रोहिबिशन नहीं होगा. सेकंड बी एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड एनग्रेव्ड पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन फर्स्ट एनी एंशियंट मोनूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मोनूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और एनी टेम्पल और एनी कार यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स और कैप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पज. तो ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया ये हो गया जैसे हमारे जो एंशियंट टेम्पल्स हैं जैसे खुजराहो टेम्पल वगैरह है उधर जो अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो रखा है तो उस पर भी प्रोहिबिशन नहीं है. एंड सी इज एनी फिल्म इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल. जिस पे पार्ट सेकंड अगर अप्लाई हो रहा है सिनेमाटोग्राफ एक्ट का तो उस पर भी प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है. तो जनरली हमारे इसमें क्या हुआ थर्ड और फोर्थ को हमारा प्रोहिबिशन बना दिया गया है. तो हमारे दो ऑफेंसेस हैं बेसिकली ये काइंड ऑफ ऑफेंसेस बनेंगे, ठीक है. अब आओ सेक्शन नंबर 5 पे पावर टू एंटर एंड सर्च. सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट मे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर विच ही इज सो ऑथराइज ए एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स विद सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही कंसिडर्स नेसेसरी एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन और इज बींग कमिटेड. बी सीज एनी एडवर्टीजमेंट और एनी बुक पैम्पलेट पेपर स्लाइड फिल्म राइटिंग ड्राॅइंग पेंटिंग फोटोग्राफ रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रवीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ दिस एक्ट. एंड सी एग्जामिन एनी रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मैंशनड इन क्लॉज ए एंड सीज द सेम इफ ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट इट मे फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा इसमें एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि किसको पावर दी गई है एनी गजेटेड ऑफिसर कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकता है ऑथराइज बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज किया गया हो, ठीक. तो वो क्या कर सकता है किसी भी प्रोविंसेस में एंटर कर सकता है वहाँ पे सर्च कर सकता है प्लस अगर उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसको उसको लगे कि उस चीज़ को देख के अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रावीन कर रहा है वो या फिर ये चीज़ कोई ऑफेंस क्रिएट कर रही है तो उसको क्या करेगा सीज कर लेगा या फिर वो एग्जामिन कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है. एग्जामिन करके अगर उसको लगता है कि यहाँ से मेरे को एविडेंस मिल सकते हैं कि दैट देयर इज़ अ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस तो वो उसको सीज कर सकता है, ठीक है, एग्जामिन कर सकता है एंड सीज द सेम. Now coming to the proviso, provided that no entry under this subsection shall be made into a private dwelling house without a warrant. तो आप किसी भी private dwelling house में without warrant entry नहीं करोगे. Then provided further that the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, article or thing which contains any such advertisement, including the contents, if any, of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article or thing without affecting the integrity, utility or saleable value thereof. ये proviso क्या कह रहा है? अगर कोई ऐसा advertisement है जो कि किसी document, article या thing का part है, ठीक है, और उसको आप उसको separate नहीं कर पा रहे हो किसी भी reason की वजह से आप उसको separate नहीं कर पा रहे हो तो जो power of seizure है वो उस पूरे डॉक्यूमेंट आर्टिकल या थिंग पे अप्लाई होती है. दैट मींस कि आप पूरा का पूरा आर्टिकल या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही उठा के सीज कर सकते हो अगर आप उस एडवर्टीजमेंट को उस डॉक्यूमेंट से सेपरेट नहीं कर पा रहे हो. क्योंकि अगर सेपरेट कर पाओगे तो उसको अलग कर लो और अगर सेपरेट करने की वजह से मे बी उसकी इंटीग्रिटी यूटिलिटी या सेलेबल वैल्यू खत्म हो सकती है, ठीक है, तो आप उसको पूरे आर्टिकल को आप सीज कर सकते हो, ठीक है. देन सेकेंड द प्रोविजन ऑफ सी आर पी सी 1973 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर अंडर दिस एक्ट एज दे अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ वॉरंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सेड कोड.
जो सेक्शन 94 में हम देते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 94 है, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्स डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा, ठीक है, तो जो वहाँ पे प्रोसीजर लगेगा वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज़ वेयर एनी पर्सन सीजेज एनी थिंग अंडर क्लॉज बी और सी ऑफ सब सेक्शन 1, ही शैल एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टेक हिज ऑर्डर्स एज टू द कस्टडी देयर ऑफ। तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो हमारा गजेटेड ऑफिसर कुछ भी सीज कर रहा है, उसके बारे में किसको बताएगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताएगा, और फिर उसकी कस्टडी से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स उसको लेने हैं वो वहाँ से लेगा, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 6, पेनल्टी, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और 4 शैल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 2,000 rupees एंड इन द इवेंट ऑफ अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड ऑल्सो विद फाइन नॉट लेस देन 10,000 rupees बट विच मे एक्सटेंड टू 1 lakh rupees। तो इसमें फर्स्ट कन्विक्शन जो है, हमारी फर्स्ट कन्विक्शन पर उन्होंने कह दिया कि एक्सटेंड कर जाएगी कहाँ तक, 2 years तक, प्लस फाइन लगेगा, और वो फाइन कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, 2,000 rupees तक। अगर सेकेंड कन्विक्शन हो रही है या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रही है सेम उस पे, तो हमारा क्या होगा कि नॉट लेस देन 6 months प्लस एक्सटेंडिंग टू 5 years देन प्लस फाइन, फाइन ऑल्सो जो कि 10,000 rupees से कम नहीं होगा, 10K, ठीक है, नॉट लेस देन 10K बट विच मे एक्सटेंड टू 1 lakh rupees। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी सजा उसमें है अगर सेक्शन नंबर 3 और 4 का कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। सेक्शन नंबर 3 और 4 हमारे क्या थे, प्रोहिबिशन थे ना, कि जिसमें हमारे जो ऑफेंसेस बनाए गए थे सेक्शन नंबर 3 और 4, अब अगर उनका कोई, उन प्रोहिबिशन को अगर कोई वायलेट कर रहा है या बेसिकली ऑफेंस कर रहा है तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, वही है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 7, ऑफेंसेस बाई कंपनीज, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाई ए कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। हर पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी प्लस कंपनी, देखो वो पर्सन भी और प्लस कंपनी भी दोनों को एक साथ, ठीक है, क्योंकि हम कंपनी का पढ़ते हैं कि कंपनी जो है वो लीगल पर्सन होती है, तो उसको भी प्लस वो दोज पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। उस पर लागू नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे नॉलेज के बगैर ये एक्ट हुआ है या फिर उसने ड्यू डिलिजेंस फॉलो की थी टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। सेकेंड, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाई ए कंपनी एंड इट इज़ प्रूव दैट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ और इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी सच डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर हमको ये लगता है कि किसी के नेग्लिजेंस की वजह से या किसी की कंसेंट कन्वेंस की वजह से, ठीक है, बेसिकली किसकी वजह से, कोई डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, अदर ऑफिसर है, तो उनको भी, उनके खिलाफ भी केस चलाया जा सकता है प्लस पनिश किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। देन एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बी डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना कंपनी का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये वर्ड याद रखना, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। देन 8, offences to be cognizable and bailable notwithstanding anything contained in the code of CRPC basically code of criminal procedure 1973 an offence punishable under this act shall be bailable। to
ऑफेंसेस कैसे होंगे, अवेलेबल होंगे, एंड सेकेंड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल. तो हमारा ये हो गया कि सेक्शन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है कि मे बी सेक्शन पूछ ले कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल और अवेलेबल होते हैं. देन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी थिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट. ठीक है, अंडर दिस एक्ट में क्या होगा कि सेक्शन नंबर जैसे हमारा 5 था, तो सेक्शन नंबर 5 में क्या है कि एंट्री एंड सर्च कर सकता है. तो अगर वो कुछ एंट्री करता है कहीं पे, कुछ सर्च करता है, कुछ सीजर करता है या एग्जामिन करता है, तो वहाँ पे अगर उसने ये सब काम गुड फेथ में किया है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. देन लास्ट सेक्शन इज पावर टू मेक रूल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. सेकेंड, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली ए द मैनर इन विच द सीजर ऑफ द एडवर्टीजमेंट और अदर आर्टिकल शैल बी मेड एंड द मैनर इन विच द सीजर लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड टू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एनी एडवर्टीजमेंट और अदर आर्टिकल्स हैज बीन सीज्ड. तो जो हम सीजर करते हैं एडवर्टीजमेंट्स का, अदर आर्टिकल्स का, वो किस मैनर में होंगे, प्लस कैसे सीजर लिस्ट बनाई जाएगी और कैसे वो दी जाएगी जिसके यहाँ से सीज किए गए हैं. बी एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड. थर्ड इज, थर्ड जनरली हर जगह कॉमन होता है, तो एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज़ इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज विच मे बी कंप्राइज इन वन सेशन और इन टू और मोर सक्सेसिव सेशंस. एंड इफ़ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और सक्सेसिव सेशन अफोर्सेड बोथ हाउसेज एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल और बोथ हाउसेज एग्री दैट द रूल शुड नॉट बी मेड द रूल शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म और बी ऑफ नो इफेक्ट एज द केस मे बी सो हाउ एवर दैट एनी सच मॉडिफिकेशन और एनलमेंट शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द वैलिडिटी ऑफ एनी थिंग प्रीवियसली डन अंडर दैट रूल. ये मैंने पढ़ दिया है, बेसिकली इसका कोई सेंस है नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी इसमें. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट जो है, ये हो गया कंप्लीट. ठीक है, अब इसके जो MCQs हैं वो कर लेते हैं. ठीक है, और अगर आप चाहो तो पहले आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने वो डिटेल्स में डाल रखा है उसका लिंक. ठीक है, तो एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पे मैंने टेस्ट बना रखा है, वहाँ से तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इसके आगे की वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हो क्वेश्चंस के लिए. अब देखो MCQs, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इज़ पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया ऑन. अब ये लास्ट ईयर, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था RJS 2021 में कि ये वाला कब पब्लिश हुआ था, तो अभी पब्लिश की डेट पूछ ली थी उन्होंने. तो इसका आंसर कितना है, 25 सितंबर 1987. सेकेंड इज़, वॉट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986. ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, हमने वहाँ पढ़ा है, टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट, टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू पब्लिकेशन राइटिंग पेंटिंग फिगर्स और इन एनी अदर मैनर. तो हमारा दोनों ही है इसमें, ठीक है, थ्रू एडवर्टीजमेंट भी और थ्रू पब्लिकेशन वगैरह भी हमको प्रोहिबिट करना है. तो आंसर क्या होगा, 3rd, 1 and 2. फिर क्वेश्चन नंबर 3, अंडर दिस एक्ट इन द वर्ड एडवर्टीजमेंट व्हाट हैज़ बीन इंक्लूडेड विच मींस विजिबल रिप्रेजेंटेशन. तो एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आएगा, नोटिस सर्कुलर आता है, यस, लेबल रैपर और अदर डॉक्यूमेंट, यस, एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मींस ऑफ एनी लाइट साउंड स्मोक और गैस, यस. तो आंसर क्या होगा इसका, 4th, 1, 2 and 3. फोर्थ इज, व्हाट इज मेंट बाय इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सेक्शन नंबर 2 से. तो डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ वुमन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट और डेरोगेटरी टू डिसेंसी, डेरोगेटरी टू द इंटीग्रिटी ऑफ वुमन. एंड थर्ड इज, विच इज़ लाइकली टू डिप्रेव करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरालिटी और मोरल्स. ठीक है, ये तीनों ही हैं. तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 और. ठीक है, और ये हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है कौन से सेक्शन में डिफाइन, ये है हमारा 2C में. देन
Fifth, what is the meaning of word label? Any written, marked or stamped matter appearing on any package, any printed or graphic matter appearing on any package, any matter affixed to or appearing upon any package. तो तीनों ही हैं हमारा, रिटन, मार्क्ड और स्टाम्प्ड किसी भी पैकेज पे हो, प्रिंटेड या ग्राफिक मैटर हो, या फिर मैटर अफिक्स्ड हो, तो ये हमारे तीनों ही होंगे. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव. देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विच थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ड पैकेज. तो पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? बॉक्स, कार्टन, टिन और अदर कंटेनर, या फिर टिन कंटेनर भी अगर लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव. देन सेवेंथ इज, इफ़ अ पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, देन वॉट पनिशमेंट शैल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम. तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई ये पब्लिश करता है तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी. तो ये फर्स्ट टाइम पेनल्टी वाले के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पेनल्टी का हमने पढ़ा था कि कितने तक की सज़ा मिल सकती है उसको. तो फर्स्ट टाइम पेनल्टी में हमने पढ़ा था कि अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन अप टू 2,000 रुपीज़. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला. फिर एट्थ, इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन. अब अगर उसको सेकंड कन्विक्शन मिलती है तो क्या होगा? तो सेकंड कन्विक्शन में हमने पढ़ा था कि उसकी मिनिमम दोनों केसेस में मिलेगी, कि मिनिमम फाइन भी होगा और मिनिमम पनिशमेंट भी होगी. अब वो होगी कितनी? तो हमने पढ़ा था कि मिनिमम जो हो सकती है वो हो सकती है 6 महीने की, और जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 5 साल तक. प्लस फाइन कितना मिलेगा? तो वो मिनिमम 10,000 रुपीज़ का होगा, और कब तक एक्सटेंड कर सकता है? 1,00,000 रुपीज़ तक. तो इसमें कौन सा है ऐसा? तो वो है हमारा थर्ड, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ्स बट विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड ऑल्सो विद अ फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज़. ठीक है. Then section number 9, section 4 of this act relates to the prohibition of publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women. But the provision of this section shall not apply to any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of figure, when. अब ये हमारा बात कर रहा है जब section number 4 में हमने provisos पढ़े थे. तो section number 4 में हमने 3 proviso पढ़े थे. ठीक है, A, B और C. ठीक, तो अब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूवन टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न. सेकेंड, विच इज कैप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेज. थर्ड, एनी रिप्रेजेंटेशन इज कल्चर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन फोर और इन एनी एंशियंट मोनूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और एनी टेम्पल और एनी कार यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स एंड और कैप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पज. ये हमारा बी वाला पोर्शन आ गया. ये दोनों हमारे फर्स्ट और सेकेंड जो हैं, ये दोनों हमारे ए के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड फोर्थ इज, एनी फिल्म इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल. ये हमारा सी पार्ट आ गया. तो प्रोवाइजो के तीनों पार्ट हैं, तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शैल बी द नेचर ऑफ ऑल द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू दिस एक्ट, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 8. फिर नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और देयर ऑफिसर फॉर एनीथिंग विच इज डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट. तो इसका तो एक ही वर्ड है सीधा, विच इज डन इन गुड फेथ. ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 9. देन हु हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल्स बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 10. ठीक है, ओके. चलो अब तुम चाहो तो डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस नीचे लिंक में. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.